नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज का जो फाइनल अपडेट है, फाइनल भाव है जो किसान साथियों इंदौर मंडी का, वो हमारे पास अपडेट होकर आ चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी सटीक जानकारी और सटीक अपडेट के साथ बताऊँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और जान लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट और ताज़ा रिपोर्ट के बारे में। मतलब फाइनली जो रिपोर्ट है, पूरे दिन की जो अपडेट रिपोर्ट है, वो इंदौर मंडी में कैसा माहौल देखने को मिला है आज के दिन पूरा फाइनल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अनुरोध है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अनुरोध है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आवक की। तो आवक 60 से लेकर 70 हज़ार कट्टे की कल की तरह देखने को मिली हुई है आज भी, लेकिन आज 100-200 रुपये की जो गर्मी है किसान साथियों, तेजी है वो आज के दिन देखने को मिली हुई है। क्योंकि ऊपर की अगर बात करें तो 3200 रुपये प्रति एक क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला हुआ है, और सुपर प्याज की अगर बात करें तो किसान साथियों 2800 रुपये से लेकर 3000-3050 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला हुआ है। वहीं पर अगर मीडियम प्याज की बात करें तो किसान साथियों 2400 रुपये से लेकर 2800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला हुआ है, और गोल्टा प्याज की अगर बात करें तो 1800 रुपये से लेकर 2200-2300 रुपये तक के बीच में देखने को मिला हुआ है। वहीं पर छोटे छठहन मिक्स प्याज की अगर बात करें किसान साथियों, तो आज के दिन 800 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ऑल ओवर मंडी का जो माहौल है किसान साथियों आज के दिन देखने को मिला हुआ है। मतलब कल के अपेक्षा आज 100-200 रुपये की जो गर्मी है किसान साथियों देखने को मिली हुई है। कल कहीं ना कहीं 3000-2800 रुपये तक पे जो समर्थता हुआ बाजार है वो देखने को मिला था, लेकिन आज कहीं ना कहीं 100 रुपये की उछाल देखने को मिली हुई है।